हेलो दोस्तों, तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल कूल स्टेशनरी में। और आपको आज ना मैं अपना पर्पल कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे आप देख ही सकते हैं, हर चीज़ इसमें पर्पल कलर की है। और पर्पल कलर ना आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग है, क्योंकि BTS की थीम पर होता है पर्पल कलर, और गर्ल्स को ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरी प्यारी सी एक सिंपल डायरी है, कितनी क्यूट है ना। और ये मुझे ना ओनली 10 रुपीज की मिली थी। इसका ना ये जो कवर है ना, वो पर्पल है, इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया, क्योंकि मुझे पर्पल कलर पर स्टेशनरी सप्लाई कलेक्ट करनी थी। तो ये काफ़ी क्यूट है, इसके पेज भी देखिए कितने ज़्यादा क्यूट है। हम इसे यहीं रख देते हैं। अगला मैं पर्पल कलर का आपको अपना पॉपिट पेन दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें ग्रीन और ऑरेंज कलर के पॉपिट है, और यूनिकॉर्न का फेस बन रहा है, और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। काफ़ी क्यूट है ना गाइज, और ये बहुत अमेजिंग भी है। ये देखिए कितना प्यारा सा है। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पर्पल कलर का मेरे पास यूनिकॉर्न का ग्लिटर पेन है। जो ग्लिटर है ना, वो रोटेट होने पर शाइन करता है, और यहाँ पर जो यूनिकॉर्न है वो अलग हो जाता है पेन का टॉपर। और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम क्यूट सा है। और ये जो पेन है ना, ये मुझे मिला है ओनली 20 रुपीज का, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ना। अगला है मेरा पर्पल कलर का ये यूनिकॉर्न पेन, ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना क्यूट और प्यारा है ये यूनिकॉर्न पेन। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, सुंदर सा। और अगला है ये मेरा प्यारा सा लिपस्टिक पेन। ये देखिए कि मेरे पास लिपस्टिक पेन है, जो 40 रुपये में मुझे मिला है। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इस तरीके से अगर हम इसे ओपन करेंगे तो एक पेन है, अदरवाइज बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे, एक पेन है। और इसके अंदर देखिए लिक्विड है, और उस लिक्विड में ना छोटे छोटे स्टार और हार्ट की शेप में स्पार्कल इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, ये है मेरा प्यारा सा पंजा पेन, कितना क्यूट है। इसका कलर ना ब्लैक है, और ये पंजा पेन मुझे मिला है ओनली 15 रुपये में, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। यहाँ से मैं देखूँगी अपनी ये नॉन शार्पिंग गेम पेंसिल। ये नॉन शार्पिंग ब्रिंक पेंसिल है, आपको इसे शार्प करने की ज़रूरत नहीं है, और ये गेम पेंसिल है, आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं, तो काफ़ी क्यूट सी लग रही थी। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये सीटी वाली मेरे पास पेंसिल है, और ये भी नॉन शार्पिंग पेंसिल है, प्लस आप इसमें यहाँ से सीटी बजा सकते हैं, तो इसका कलर भी है पर्पल। और ये मुझे मिली थी 10 रुपीज़ की, और नॉन शार्पिंग पेंसिल ये जो गेम वाली है, ये मुझे मिली थी ओनली 20 रुपीज़ की। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये है मेरे पास किटी कप पेन। ये देखिए ये किटी कप पेन है, कितना ज़्यादा क्यूट है ना। यहाँ पर आपको ना किटी भी बन रही है, और काफ़ी प्यारी और क्यूट सी लग रही है। तो ये मुझे मिला है पेन 15 रुपये का, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ हम देखेंगे तो ये कार पेन है, जिसमें ना टायर भी है। देखिए जो टायर है वो कितने क्यूट हैं, और रोटेट भी हो जाते हैं, और बिल्कुल आप यकीन नहीं करोगे कि एक पेन है, क्योंकि मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम देखा था तो यकीन ही नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है, और यहाँ देखिए पेन की निब निकल गई, देन उसे दोबारा प्रेस करेंगे, निब अंदर चली जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सीट है, और जो ये पेन है ना, ये मुझे 50 का मिला है। और ये वाली गेम पेंसिल मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, तो ये मैंने 2 ले ली थी, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, ये 20 की होती है। और यहाँ से देखिए, ये है मेरे पास पर्पल कलर का ग्लिटर वाला यूनिकॉर्न पेन, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ से जो टॉपर है वो इजीली हट जाएगा, और ये बहुत अमेजिंग और क्यूट होते हैं इस टाइप के पेन। तो ये मुझे मिला था 20 का। और यहाँ देखिए कि मेरे पास एक बाउंसिंग क्ले है, और ये तो आपको बताइए ओनली 5 रुपीज़ की मिलती है अगर हम इसको लेते हैं तो। और ये देखिए, ये है मेरे पास दो पर्पल कलर के टेन, जिसपे हार्ट और फ्लावर प्रिंट हो रहे हैं, कलर पर्पल है, तो काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने इसको ले लिया था। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी ये पर्पल कलर की क्लच इरेजर, ये देखिए कितनी अमेजिंग और क्यूट है ना। और ये मुझे मिली थी ओनली 10 रुपीज़ की, और इसके साथ मुझे एक और इरेजर मिली थी, ये है ड्रायर इरेजर, जो बहुत क्यूट है, तो ये मैंने दोनों ही खरीद ली थी। यहाँ से मेरे पास पर्पल कलर की एक और इरेजर है, ये प्रिंसेस हाउस इरेजर है, जो काफ़ी प्यारी और क्यूट सी लगती है। ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कितना क्यूट सा प्यारा सा हाउस है ये इरेजर है, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो ईजिली हट जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो इरेजर है, ये मुझे मिली है ओनली 10 रुपीज़ की, तो 10 में ये काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने इसको ना ले लिया था, और बहुत क्यूट है ये इरेजर, सच में आप देखेंगे ना बहुत क्यूट लगेगी। यहाँ से देखिए मेरे पास की चेन है, इसका कलर भी है डॉल का पर्पल, और आप इसे स्कूल बैग में लगा सकते हैं। यहाँ से ये जो इसके प्यारे प्यारे शूज हैं वो अलग हो जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप इनको दोबारा इनको पहना भी सकते हैं, और काफ़ी क्यूट लग रही है ये जो डॉल है। और इसने एक स्कार्फ भी पहन रखा है, कैप पहन रखा है, इसकी जो ड्रेस है वो भी पर्पल है, तो मैंने इसको भी यही की चेन को रख लिया था। अगली जो की चेन है ना, वो भी काफ़ी क्यूट है, ये देखिए कितनी ज़्यादा क्यूट है ना।
यहाँ पे देखिए इसने पर्पल कलर की ड्रेस पहन रखी है और इसके जो पंख है ना वो भी पर्पल कलर के हैं और ये काफी ज्यादा क्यूट है। इसने छोटा सा ना एक हेड भी लगा रखा है जो बहुत अमेजिंग और क्यूट सा लग रहा है। तो ये जो कीचेन है ये मुझे 30 में मिली थी और इससे पहले मैंने जो आपको अभी कीचेन दिखाई थी डॉल वाली वो मुझे मिली है 20 रुपीज में। यहाँ पे ना मेरे पास कैमरा शॉर्पनर भी है, ये भी है पर्पल कलर का। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं और इसमें आप दो तरीके की पेंसिल शार्प कर सकते हैं, मोटी और पतली, और ये भी काफी अमेजिंग है। और यहाँ से मैं आपको ना अपना पेंसिल केस दिखाने वाली हूँ, वो है पर्पल कलर का। ये देखिए ये फ्रोजन प्रिंट पर है, यहाँ पर देखिए फ्रोजन बन रही है जो काफी क्यूट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका प्रिंसेस हाउस भी बन रहा है, यहाँ पे कितनी क्यूट लग रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें प्रेस करना है। दो तरीके के आपको शार्पनर मिलेंगे, बड़े और छोटे, आप इजिली शार्प कर सकते हैं। कचरा यहाँ से निकालेंगे, इसे हम क्लोज करते हैं और ये काफी क्यूट है। इस तरीके से हम ओपन करेंगे तो सरप्राइज इसमें ये होगा कि आप इसमें ना लाइट जला सकते हैं। ये देखिए आप इसको लाइट जला सकते हैं, काफी प्यारा है। आप इसे बंद भी कर सकते हैं और अगर हम पीछे टर्न करेंगे तो काफी ज्यादा स्पेस है हमें पेंसिल वगैरह इजिली रखने का। तो ये जो पेंसिल केस है ना ये मुझे मिला है 150 का, तो 150 में काफी प्यारा था तो मैंने इसको ना ले लिया था। अगला मैं आपको दिखाती हूँ ये प्यारा सा, ये देखिए ये है मेरे पास प्यारा सा बोर्ड है जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है किट हेलो फ्लाई ड्रीम इरेजर इफेक्ट है, नॉन और टॉक्सिक है। तो चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरीके का। ये मुझे 150 का मिला है, देखिए इसका प्रिंट तो इन्होंने 200 का रखा है लेकिन मुझे मिला था ये 150 का। और ये काफी प्यारा और क्यूट सा आपको लगेगा क्योंकि तो मुझे ही इतना प्यारा और क्यूट लगा था। आप इसे गिफ्ट भी दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसमें ट्रायंगल प्रिंट कर सकते हैं इजिली और यहाँ जो सर्कल है आप वो प्रिंट कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ हार्ट जो है आप वो भी प्रिंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप हार्ट प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ से जो पेन है उसको इजिली निकाल सकते हैं और इस तरीके से कुछ भी ड्रॉइंग्स में कर सकते हैं। तो काफी प्यारा है और ये बच्चों को ना काफी पसंद भी आने वाला है। यहाँ देखिए जो इरेजर का बटन है ना उसमें स्माइली सी है, उसको आप इस तरीके से करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और काफी क्यूट है। ये देखिए इस पे लिखा भी है और एक क्यूट सी गर्ल भी बन रही है और ये काफी क्यूट है गाइस। और ये ना काफी अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इतना क्यूट है और इतना प्यारा है ना और यूजफुल है। आप इसे ना यूज भी काफी अच्छे से कर सकते हैं तो ये काफी प्यारा सा लग रहा है। तो अगला जो है वो है मेरे पास ये पेंसिल्स जिसपे यूनिकॉर्न प्रिंट हो रहा है। ये देखिए अगर आप एक पेंसिल खरीदेंगे तो वो 10 रुपीज की मिलेगी और इसके साथ ना आपको शार्पनर भी मिलेगा। और ये HB पेंसिल है और यहाँ से मैं आपको एक पेंसिल निकाल के जरूर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए इसकी जो पेंसिल्स हैं वो किस टाइप की होती हैं वो आप देख सकते हैं। तो जो पेंसिल्स हैं वो इस पे इस तरीके का यूनिकॉर्न प्रिंट हो रहा है और निब पर ना एक छोटी सी इरेजर है वो बहुत क्यूट लगेगी और ये लगती भी है पेंसिल्स। तो ये मैंने पूरा पैक ही ले लिया था क्योंकि ये मुझे काफी प्यारी सी लगी थी और ये बहुत सुंदर है भी, आपको भी ना बड़ी पसंद आने आएगी ये पेंसिल्स क्योंकि मुझे भी ये बहुत क्यूट लग रही थी। तो ये था मेरा पर्पल कलर का कलेक्शन जो मैंने आपको दिखा दिया है। आपको बताना ये जो मेरा कलेक्शन है वो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है।